नमस्कार। तो टेंथ क्लास के प्रोबेबिलिटी चैप्टर में हमने सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस देखी, फिर कुछ कार्ड्स के बारे में जो पत्ते खेलते हैं उसके बारे में हमने देखा, और फिर हमने क्वेश्चंस करना चालू किया था। नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और स्पेशली हम वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जो CBSE एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो उसी श्रृंखला में एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कार्ड नंबर्ड फ्रॉम 11 टू 60, 11 से लेके 60 आर कैप्ट इन ए बॉक्स। इफ ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज, सबसे पहले एन ऑड नंबर, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तीसरा डिविजिबल बाय 5, और चौथा ए प्राइम नंबर लेस देन 20। तो ये चारों केसेस के अंदर हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस विल बी 11 टू 60, 11 से लेके 60, मतलब ये हो गए हमारे पास में 50, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ केसेस दीज आर 50। अब सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, तो सैंपल स्पेस के अंदर हमारे पास में 50 पॉइंट्स हैं, और सबसे पहले ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर ए, अगर ये ए के अंदर हम देखें कि ऑड नंबर्स कौन कौन से आएंगे, तो शुरुआत होगी 11 से, 11, 13, 15 एंड सो ऑन, चलते चलते ये 59, ये ऑड नंबर्स होंगे। टोटल 50 नंबर्स हैं, 50 में से आधे इवन होंगे, आधे ऑड होंगे। तो ऑड नंबर्स, इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस आर 25 एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस दीज आर 50, सो दिस विल कैंसिल एंड वी विल गेट 1/2। सो फर्स्ट आंसर इज 1/2, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड इन CBSE एग्जामिनेशन 2014। देन सेकेंड केस, इसको अगर हम बी सेट माने, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब देखिए 11 से लेके और 60 तक कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, अगर हम ये देखें तो सबसे पहले आता है 16, 16 के बाद में 25, है ना, 16, 25, फिर आएगा 36, मतलब ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 चला जाता है, तो ये 60 के आगे चला गया। तो इसमें केवल 4 नंबर्स इस तरह के आ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस आर 4 एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस आर 50। इसको कैंसिल करेंगे 2/25, सो दिस इज 2/25, राइट। देन नेक्स्ट इज थर्ड, डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल, तो 5 से डिविजिबल अगर हम यहाँ पे देखें तो 15 से चालू होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30, देन 35, 40, 45,
55 and then 60, right? तो ये इतने नंबर्स हो गए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल बी इक्वल टू, इसमें कितने हुए आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. तो फेवरेबल केसेस आर 10 एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस आर 50, सो दिस विल बिकम 1/5. तो ये देखो 1/5 एंड सेकेंड वन वॉज 2/25. देन फोर्थ केस इज वी वॉन्ट टू फाइंड ए प्राइम नंबर लेस देन 20. सो प्राइम नंबर लेस देन 20, दिस इज इक्वल टू, देखिए 11 प्राइम नंबर होता है, फिर 13, दिस इज प्राइम नंबर, ए प्राइम नंबर लेस देन 20, देन 17 इज ऑल्सो प्राइम नंबर लेस देन 20, राइट? सो इलेवन, थर्टीन एंड 17. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, क्योंकि 20 से कम वाले चाहिए, लेस देन 20 चाहिए, देन दिस कैन बी 19 ऑल्सो, 19 ऑल्सो. सो देर आर 4 प्राइम नंबर्स, सो दिस विल बी 4/50. 4/50 means this will become 2/25. Right? So this is 2/25. So these are 4 prime numbers less than 20. So 4/50 is the probability, means 2/25 will be the probability for this. Now a box contains 100 red balls, 200 yellow balls and 50 blue balls. If a ball is drawn at random from the box, then find the probability that it will be. So first, suppose this is A. First is a blue ball. So blue balls, see what will be the probability of A is blue ball. Blue ball. So probability of A will be equal to, अब देखिए यहां पे blue balls 50 है, है ना? तो ब्लू बॉल्स 50 हैं, मतलब फेवरेबल केसेस हो गए 50, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ये 100 प्लस 200 मींस 300 और 350, सो दिस इज 350, दिस विल कैंसिल 7 टाइम्स, सो दिस इज 1/7, सो सी दिस इज फर्स्ट आंसर. Then second is not a yellow ball. अब देखिए not a yellow ball, इसको निकालने के दो तरीके हो सकते हैं. पहला, अगर हमको yellow ball नहीं चाहिए, मतलब हम red और blue balls ले सकते हैं, नॉट ए येलो बॉल मतलब, तो फेवरेबल केसेस हो जाएंगे 150
और टोटल नंबर ऑफ केसेस आर 350, सो वी विल गेट दिस। दूसरा तरीका, नॉट ए येलो बॉल, मतलब हम क्या करें कि येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल लें, और नॉट ए येलो बॉल मतलब वन माइनस उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, वी विल गेट दिस। ठीक है, तो दोनों में से किसी भी तरीके से इसको किया जा सकता है। सबसे पहले हम अगर सपोज करें ये सेकंड मेथड से, बी इज येलो बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू, इसमें येलो बॉल हैं 200 और अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स दिस आर 350, राइट। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 5 से 4 times और ये 7 times, सो दिस इज 4/7, राइट। तो नॉट येलो बॉल मीन्स प्रोबेबिलिटी, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट येलो मतलब इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार विल बी इक्वल टू 1 minus प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मीन्स दिस इज इक्वल टू 1 minus प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 4/7, सो हियर एलसीएम इज 7, 7 minus 4 मीन्स दिस इज 3/7, सो सी दिस आंसर इज 3/7। ठीक है, और वैसे भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे कि नॉट येलो मतलब ये 100 और ये प्लस 50 मतलब 150/350, सो यू विल गेट दिस इज 3/7। तो दोनों में से किसी भी मेथड से हम इसको कर सकते हैं। देन कम टू थर्ड वन, थर्ड पार्ट इज नाइदर येलो नॉर ब्लू, ना तो येलो होना ना ब्लू होना, इसका मतलब रेड बॉल होना। ठीक है, नाइदर येलो नॉर ब्लू मीन्स इट शुड बी रेड, सो वी कैन राइट इफ सी इज नाइदर येलो नॉर ब्लू, सो दिस विल बी रेड बॉल। अब रेड बॉल इसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दिस विल बी, रेड बॉल्स हैं हमारे पास में 100, तो दिस विल बी 100/350, ये कैंसिल हुआ और फिर 5 से इसको कैंसिल कर दें तो ये 2 और ये 7 मीन दिस इज 2/7, सो आंसर इज 2/7। ठीक है, ए बैग कंटेन्स 5 red balls एंड सम ब्लू बॉल्स, मतलब अब यहाँ पे ब्लू बॉल्स कितनी है ये नहीं दी हुई है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस दैट ऑफ रेड बॉल, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। So we will suppose that number of blue balls is x. So let number of blue balls
इज इक्वल टू एक्स, रेड बॉल्स कितनी है 5, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स विल बी, ये x है और प्लस रेड वाली 5 है, ठीक है। नाउ इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल्स हैं हमारे पास में कितनी x, तो दिस विल बी x अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स x प्लस 5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो दिस इज रेड बॉल, तो रेड बॉल्स हमारे पास में 5 है, तो 5 अपॉन टोटल इज x प्लस 5, राइट। बट इट इज गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज थ्राइस ऑफ रेड बॉल, मतलब ये इसका 3 गुना है, सो वी विल राइट, इट इज गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लू बॉल, मतलब दिस x अपॉन x प्लस 5 इज थ्राइस मीन्स 3 टाइम्स दैट ऑफ रेड बॉल, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 5 अपॉन x प्लस 5, ये x प्लस 5 और x प्लस 5 कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू 15, तो 15 बॉल्स होनी चाहिए, एंड सी आंसर इज ऑल्सो 15, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड इन CBSE एग्जामिनेशन 2007, तो अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे हुए हैं। ए बैग कंटेन्स वाइट, ब्लैक एंड रेड बॉल्स ओनली, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वाइट बॉल, तो यहाँ पे वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी 3/10 एंड दैट ऑफ ब्लैक बॉल दिस इज 2/5, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड बॉल, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है, इफ द बैग कंटेन्स 20 black balls, then find, if the bag contains 20 black balls, then find the total number of balls in the bag. तो हमको total number of balls निकालनी है, ठीक है? तो देखिए, probability of white ball. प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल, अगर इसको हम PW से डिनोट करें, दिस इज 3/10. प्रोबेबिलिटी ऑफ एंड दैट ऑफ ब्लैक बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल दिस इज 2/5 एंड we have to find probability of red ball. So we have to find probability of red ball. This we have to find, right? यहाँ पे, if the bag contains 20 black balls, 20 black balls. So number of black balls. Is equal to, this is equal to 20, ये 20 दिया हुआ है, ठीक, हमको
टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकालनी है, तो हम सपोज कर लेंगे कि ये x है, सो लेट टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, दिस इज सपोज x, ठीक है। अब देखिए ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी तो दी हुई है, तो PB probability of black ball will be 20 upon x, लेकिन ये दिया हुआ है 2 upon 5, ये 2 upon 5 दिया हुआ है, तो यहां से हम सीधे x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x will be equal to, ये इसको इधर लिया तो 20 इंटू 5 अपॉन 2, राइट, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ, सो दिस विल कैंसिल 10 टाइम्स, सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स दिस इज 50, ओके, सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स दिस इज 50, एंड नाउ probability of red ball also we have to find. We know that total probability is always 1. तो यहाँ पे इसका इसका और इसका sum वो 1 होना चाहिए. तो we can write, we know total probability is equal to 1. Therefore, PW plus PB plus PR is equal to 1. PW, this is 3 upon 10, plus PB, this is 2 upon 5. And plus PR we want to find, PR we want to find is equal to 1. So, this will be, say, here if we multiply this and divide by 2. So, this will become, ye 10 ho gaya, aur ye 3 plus 4 means this is 7 upon 10 plus PR is equal to 1, so PR is equal to 1 minus 7 upon 10 means this will be 3 upon 10, so probability of red ball will be 3 upon 10, ठीक है, इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं. And this question was also asked in CBSE examination. Two different dice are rolled together. Find the probability of getting first the sum of the numbers on the two dice to be 5 and even number on both the dice, and the third is doublet. So here, say, when two different dice are rolled together. तो इस केस के अंदर सबसे पहले तो हम देखें कि सैंपल स्पेस में क्या क्या चीज आ सकती है. सैंपल स्पेस में जब दो डाई ड्रॉ करें, अब वो करेंगे थ्रो करेंगे, तो हो सकता है दोनों में वन आए, या पहले में वन आए दूसरे में टू, पहले में वन दूसरे में थ्री, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इस तरह से ये टोटल केसेस हो सकते हैं. मींस दिस कैन बी 1 1, देन 1 2, देन 1 3, देन 1 4, देन 1 5, then 1
6, then 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, and so on, and last will be 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6. Right? मतलब टोटल केसेस कितने हो गए 36, ठीक है, नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस दिस विल बी 36. अब हम सबसे पहले फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट. ए इज द सेट सम ऑफ द नंबर्स ऑन टू डाइस टू बी 5. सम ऑफ नंबर्स ऑन टू डाइस शुड बी 5. अब देखिए क्या क्या केसेस हो सकते हैं जिसमें सम 5 आ जाए. तो सबसे पहले अगर हम देखें 1 के साथ में अगर 4 होगा तो ये आ गया 5. 2 के साथ में 3 होगा तो हमारे पास में सम आ जाएगा 5. फिर इनको रिवर्स कर दें तो 3, 2, ये भी सम 5. फिर 4 और 1, इसमें भी सम 5 होगा. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज टोटल एस फेवरेबल केसेस आर 4 and total number of cases are 36, so this can cancel 1/9. This is equal to 1/9. So see, this answer is 1/9. Then second case is even number on both the dice. Even number agar humko chahiye दोनों उसमें, ठीक है, तो देखिए क्या क्या हो सकते हैं. यहां पे ये 1 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 1 इवन होता नहीं है. इसमें इवन नंबर मतलब ये 2 2 2 4 2 6. सो इफ वी राइट दिस 2 2 2 4 2, 6, राइट. अच्छा, फिर 3 वाली रो बिल्कुल नहीं आएगी. फिर 4 वाले में शुरू करें तो 4, 2, 4, 4 और 4, 6, राइट. देन 6, 2, देन 6, 4 एंड 6, 6, ठीक है. केवल ये केसेस हो सकते हैं जिसमें दोनों फेसेस के अंदर, दोनों डाई के अंदर इवन नंबर हो. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी, आप देखें यहाँ पे टोटल केसेस कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो फेवरेबल केसेस आर 9 and total number of cases are 36, 9 4s are 36, so this is 1/4. So answer is 1/4, right? Then in third case, a doublet. Doublet means C will be 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Means here, total number of cases, these are 6, means favorable cases are 6 and total number of cases are 36. Isse cancel hua, so this will be 1/6.